तो दोस्तों, नॉलेज इन्फो के YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक नई जानकारी सारा की तरफ से प्राप्त हुई है जो कि बिहार की है। बिहार सरकार ने सारा समूह को चेतावनी दी है कि 15 दिन के अंदर जिनकी मैच्योरिटी की डेटें ओवर हो गई हैं उनका 15 दिन के अंदर भुगतान करें। तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार करने वाले सारा समूह को चेतावनी दी है कि अपनी ऐसी विभिन्न जमा योजनाओं में जिन जमाकर्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है उनका भुगतान 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करें। तो ये एक नई चीज़ आई है कि मतलब ऑर्डर हो चुका है कि सारा को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी ने गैर बैंकिंग वित्तीय कारोबार करने वाले सारा समूह को चेतावनी दी है कि वो अपनी ऐसी विभिन्न जमा योजनाओं में जिन जमाकर्ताओं की परिपक्वता अवधि पूरी हो गई है उसका 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ राज्य में जमाकर्ताओं के हित संरक्षण कानून BPID 2002 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुशील की अध्यक्षता में पिछले दिनों सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान सारा समूह को उक्त चेतावनी दी गई। सुशील ने कहा है कि सारा समूह द्वारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए जमा राशि करवा कर जमाकर्ताओं को समय से भुगतान नहीं कर जमा अवधि बढ़ाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि बात सही है कि मतलब ऑलरेडी इन्वेस्टर का जो भी मैच्योरिटियाँ हो चुकी हैं अब उसको फिर से आगे बढ़ाने के लिए दबाव इन्वेस्टर पर बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ जाँच के खिलाफ सहकारिता विभाग भारत सरकार को एक पत्र भी लिख रहा है। बैठक में बताया गया है कि सारा समूह दर्जनों नामों से जमा की योजना चलाती है। सरकार के पास 350 से ज़्यादा जमाकर्ताओं की शिकायतें आई हुई हैं कि परिपक्वता के बावजूद उनकी राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा कंपनी द्वारा उस पर रिन्यूअल कराने व अवधि विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है। बैठक में सारा समूह को निर्देश दिया गया है कि अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जितने जमाकर्ताओं की जमा परिपक्वता पूरी हो चुकी है उनकी सूची सरकार को उपलब्ध कराएं और 15 दिन के अंदर उनके जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करें। सारा समूह को चेतावनी देते हुए कहा गया है कि अगर वो भुगतान नहीं करता है तो BPID 2002 एक्ट के तहत उनकी परिसंपत्तियों को सरकार अधिग्रहित करके करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही आम लोगों से अपील की गई है वे अपनी बचत राशि नॉन बैंकिंग कंपनियों के जगह अधिसूचित बैंकों में जमा करें। चूँकि नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज के तहत सारा को लाइसेंस मिला हुआ था तो लोगों ने ब्याज के रेट को देखते हुए उसमें इन्वेस्ट किया था। बैठक में आर्थिक अपराध इकाई के अपर महानिदेशक जो कि एस गंगवार, पटना के जिलाधिकारी रवि कुमार, वरीय पुलिस अधिकारी मनु महाराज, RBI के उप निदेशक गैर बैंकिंग सुतीश गौतम आदि उपस्थित थी जिन्होंने इस ऑर्डर को दिया है। तो सारा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि अगर वो 15 दिन के अंदर अगर वो अपने मैच्योरिटी के जिनकी मैच्योरिटियाँ हो चुकी हैं अगर उसके भुगतान नहीं करती है तो उनके साथ क्या क्या नई मुसीबतें तैयार हो जाएंगी तो ये आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि बिहार में ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत अच्छा निर्णय है कि इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि अगर ये निर्णय मान लिया जाता है सारा समूह की तरफ से तो इन्वेस्टर को उनके पेमेंट 15 दिन के बाद से स्टार्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि 15 दिन के अंदर लोगों को उनके पेमेंट किस तरीके से मिलते हैं या जो राज्य सरकार है वो बिहार की जो सरकार है वो उसको किस तरीके से पेमेंट लोगों को दिलवाती है जो कि वहाँ के लोगों को मतलब किस तरीके से पेमेंट मिलता है। तो ये आने वाले समय में हमको जो भी जानकारी नई प्राप्त होती है मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।